दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए दोस्तों देखिए 11 सितंबर से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सैलरी जो है 19,900 से लेकर के 63,000 तक का आप लोग यहाँ पर जो है सैलरी देखिए दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट डिटेल, फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिए आप लोग को जो है इस वीडियो में दिया जाएगा। सो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से जरूर पूरा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सो इस वैकेंसी के बारे में लोग यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में बात करेंगे। यह वैकेंसी है दोस्तों देखिए JSSC के माध्यम से देखिए इसका जो है आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, जो कि लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। साथ ही PDF का भी लिंक दिया हुआ है। पोस्ट डिटेल की बात करें देखिए झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए यहाँ पर देखिए आप लोग का वैकेंसी निकल कर आया है, जहाँ पर उद्योग विभाग में देखिए भर्ती निकल कर आया है। कुल मिलाकर देखिए 455 पोस्टों पर बहाली है। यहाँ पर फी की बात करें देखिए 100 रुपये जो है आप लोग का जनरल और OBC के लिए लग रहा है। SC ST कैंडिडेट के लिए देखिए मात्रा जो है 50 रुपये लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम की बात करें तो कीट पालक के लिए है, जो कि 268 पोस्ट है, जहाँ पर देखिए जनरल के लिए 106 वैकेंसी है। ST के लिए देखिए 68 है। SC के लिए यहाँ पर देखिए 27 पोस्ट है। OBC के लिए 23 पोस्ट है। यहाँ पर देखिए BC के लिए यानी बैकवर्ड कास्ट दोस्तों जो कि 16 पोस्ट है। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देखिए 28 पोस्ट है, ये देखिए कीट पालक के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पोस्ट आप लोग देखिए कुशल शिल्पी के लिए है, ठीक है। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के लिए जो कि कुशल शिल्पी हम लोग जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए 187 पोस्ट पर बहाली है, जहाँ पर देखिए जनरल के लिए 76 पोस्ट है। ST के लिए देखिए 48 है। SC के लिए 19 पोस्ट है। OBC के लिए देखिए 15 पोस्ट है। BC के लिए जो है 11 पोस्ट है। और EWS के लिए देखिए 18 पोस्टों पर बहाली है। कुल मिलाकर 187 पोस्टों पर जो है बहाली निकल कर आई है। देखिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो कीट पालक के लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन डिटेल क्या चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले तो देखिए 10वीं पास आपको जो है अनिवार्य है, 10वीं पास आपको जो है होना अनिवार्य। 10वीं पास जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर पाएंगे, लेकिन साथ में देखिए 1 वर्ष का दोस्तों आपके पास कोर्स होना चाहिए रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से, ठीक है। 1 वर्ष का देखिए कोर्स होना चाहिए ये, जिसमें से सेरिकल्चर से अगर यदि किए हुए हैं या फिर देखिए सिल्की से किए हुए हैं, विविंग से किए हुए हैं, सिल्क डाइंग प्रिंटिंग से किए हुए, तो आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं 10वीं पास वाले। और साथ में देखिए ये सभी कोर्स आपके पास जो है होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। या फिर देखिए आप अगर यदि इंटर पास किए हुए इंटर व्यावसायिक कोर्स से जिसमें से सेरिकल्चर और टेक्सटाइल है, तो बिल्कुल देखिए आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला, और इस पोस्ट के लिए जो आप लोग का सैलरी है देखिए 18,000 से लेकर के 56,900 तक का आप लोग का जो है इस पोस्ट के लिए सैलरी है कीट पालक के लिए, ठीक है। अगला पोस्ट आप लोग का देखिए यहाँ पर जो है स्किल क्राफ्ट्समैन यानी कुशल शिल्पी के लिए जो है क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें, देखिए 10वीं पास होना चाहिए आपके पास। और साथ ही दोस्तों देखिए हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट में जो है 1 वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। और हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प में देखिए आपको जो है 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों, तभी आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों स्किल क्राफ्ट्समैन के लिए आप लोगों को देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल आपको जो है बता दिए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग के लिए एज लिमिट के लिए, इन सभी वैकेंसी के लिए आप लोग का जो है इन सभी पोस्ट के लिए आप लोग का एज लिमिट क्या होगा। एज लिमिट दोस्तों बहुत ही मायने रखता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एज लिमिट आप लोग का जो है 1/8/2022 के अनुसार देखिए आप लोग का जो है एज काउंटिंग किया जा रहा है, जहां पर दोस्तों मिनिमम आप लोग का जो है देखिए 18 वर्ष देखिए आप लोग का जो है एज रखा गया है, ठीक है। और मैक्सिमम एज की बात करें देखिए दोस्तों मैक्सिमम एज तो हालांकि 1/8/2022 के अनुसार यहाँ पर देखिए लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इसको देखिए JSSC द्वारा जो है सुधार किया गया है, जो कि 25/1/2016 द्वारा यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट की काउंटिंग किया जाएगा, जहाँ पर जनरल और यहाँ पर जो है EWS कैंडिडेट के लिए देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग दोस्तों जो कि अनुसूचित जाति मैंने BC1 और BC2 के लिए पुरुष के लिए यानी देखिए 37 वर्ष है। महिला के लिए जनरल और OBC दोनों के लिए 38 वर्ष है मैक्सिमम एज लिमिट। और SC ST कैंडिडेट्स में महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष रखा गया, ठीक है। अप्लाई डेट इस फॉर्म का दोस्तों बात करें यहाँ पर देखिए 11 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, जो कि 10 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। पेमेंट डेट की बात करें तो 12 अक्टूबर देखिए इसका जो है अंतिम डेट है पेमेंट करने का, ठीक है। साथ ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का देखिए 14 अक्टूबर तक है। फॉर्म में एडिट कोई भी गलती हो जाती है तो 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक देखिए आप फॉर्म को जो आप लोग एडिट कर पाएंगे। एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आप लोग का एग्जाम जो आप लोग का देखिए ऑफलाइन एग्जाम इसका लिया जाएगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, जहाँ पर परीक्षा जो है एक चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी आप लोग का।
देखिए, तो जो आप लोग का एग्जाम जो लिया जाएगा मुख्य परीक्षा, जहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा पत्र, जिसमें से देखिए यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा के लिए देखिए तीन पत्र होंगे। यह परीक्षा जो है तीन पालियों में ली जाएगी, ठीक है। प्रत्येक पत्र में जो है परीक्षा आप लोगों के 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। पत्र वन में देखिए भाषा ज्ञान रहेगा, जिसमें से कुल प्रश्न 120 रहेगा और 2 घंटा समय रहेगा, जहाँ पर हिंदी के लिए 80 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए देखिए 40 प्रश्न रहेगा। सिर्फ ये देखिए क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो सबसे पहले एग्जाम होगा सुबह का, ठीक है। पत्र टू दोस्तों आप लोग का देखिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का होगा, जहाँ पर उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचप्रगनिया, उड़िया, इन सभी कोई में से देखिए एक भाषा आपको जो है चूज करना है, ठीक है। जहाँ पर देखिए 100 आप लोग का देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए आप लोगों को जो है कम से कम 30% अंक आप लोगों को जो है लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए पत्र तीन में आप लोग का देखिए क्या एग्जाम होगा, जहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें 40 प्रश्न रहेगा। झारखंड से संबंधित आप लोग का प्रश्न रहेगा 50 प्रश्न, सामान्य गणित से देखिए 10 प्रश्न रहेगा और सामान्य विज्ञान से देखिए 20 प्रश्न रहेगा। इसमें भी देखिए आप लोग को जो है 30% कम से कम अंक लाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग दोस्तों पत्र टू और पत्र तीन, ये दो पेपर आप लोग को देखिए मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा और इसकी जैसे आप लोग देखिए मतलब एग्जाम हो जाता है दोस्तों, मेरिट लिस्ट आप लोग का जो है इस दो पत्र से आप लोग को निकाला जाएगा। देन दोस्तों आप लोग का देखिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस इसी के माध्यम से देखिए आप लोग का जो है लिया जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपडेट रहने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।